हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मेडी जी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर एंड आई एम योर मनोज सर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। देखें स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ उसमें फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप डिफाइन करूँगा। फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इजी सी डेफिनेशन है। देखिए, लेट जी स्टार बी आ ग्रुप। जैसा आप लोग जानते हैं, जी क्या होता है, एक सेट होता है, और स्टार क्या है, एक ऑपरेशन है। ये स्टार एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्टार एडिशन मॉडुलो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ये स्टार। तो हमारे पास में लेट जी स्टार बी आ ग्रुप, ये एक ग्रुप है। जी जो सेट है उस पर ग्रुप की सारी कंडीशंस, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूव हो रही है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी प्रूव हो रहा है। तो ये ग्रुप है। तो जब ग्रुप है, तो अगर ये जी जो है, इसमें जैसे कुछ सेट लिया मैंने जी, मैंने कहा माइनस वन वन आई और माइनस आई, ये दिखाई मैंने एलिमेंट्स, और इसको मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन में ग्रुप भी प्रूव करके दिखाया है आपके लिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सबको फुलफिल कर रहा है। तो हमने इसके लिए ग्रुप प्रूव करके दिखाया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, इसके एलिमेंट्स को क्या करा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। वन टू थ्री फोर, फोर एलिमेंट्स हैं। तो जब हमारे हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें ग्रुप के एलिमेंट्स के, ग्रुप जिस सेट पर डिफाइंड है उसके एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। फिर हमने एक एन सेट लिया, वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी तक चला गया, और ये मैं देखूं आपका कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, तो एन मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए ये क्या है, ये ग्रुप है। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। तो हमारे पास में जो एन जो है, जो ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, तो ये हमारे पास में, इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते। तो ये कैसा जो है वो ग्रुप हो गया हमारे पास में, ये फाइनाइट ग्रुप हो गया, और ये हमारे पास में फाइनाइट ग्रुप हो गया। यहाँ पर भी ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए, तो इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, और ये इज अ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप। तो ये हमारे पास में एग्जांपल्स रहे, एग्जांपल्स किसके, फाइनाइट ग्रुप के और इनफाइनाइट ग्रुप के। तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप इफ G has finite numbers of elements, elements, ये elements कहलाते हैं स्टूडेंट। किसी भी सेट के अंदर जो भी बिलोंग कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाता है। माइनस वन 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 आई माइनस आई, ये एलिमेंट्स हैं सेट जी के।
एन के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक हमारे पास में। इफ जी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तब हमारे पास में जी इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तो क्या कहलाएगा ये? फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। इसके लिए चाहो तो हमारे पास में कैसे करके लिख सकते हैं जी स्टार इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। राहुल देखें इसका देखें सही चल रहा। तो स्टूडेंट सही चल रहा है देखें बरकरार है जी स्टार इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। तो ये फाइनाइट ग्रुप का एक एग्जांपल हो गया क्योंकि एलिमेंट्स को क्या करा जा सकता है काउंट किया जा सकता है। माइनस वन एक एलिमेंट दूसरा तीसरा चौथा चार एलिमेंट्स हैं इसमें। जी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे पास में एंड इफ जी हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स तो हमारे पास में जी स्टार इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये हमारे पास में सेकंड एग्जांपल है। तो जी स्टार जी मल्टीप्लिकेशन के लिए इज अ फाइनाइट ग्रुप और हमारे पास में नेचुरल नंबर के लिए जो है वो ये। एक और एग्जांपल लेकर के दिखा दें। देखिए हमारे पास में अगर एक होल नंबर का सेट है तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये होल नंबर एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है और एडिशन ऑपरेशन के लिए जब ग्रुप होगा तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का और एग्जांपल दे तो देखें फोर्थ एग्जांपल दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। मैंने एक एस सेट कह दिया स्टूडेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये जो सेट है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है ये तो वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। तो इज अ फाइनाइट ग्रुप क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या करे जा सकते हैं? काउंट किए जा सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप हो गया। तो अब स्टूडेंट्स मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ आपके लिए कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का? तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप मैं आपको डिफाइन करूँगा। देखें इसे रब किए देता हूँ और एग्जांपल को नहीं क्योंकि इसी एग्जांपल से मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए ये रब किए देखा हूँ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? जो ये जैसे जी मल्टीप्लिकेशन ये फाइनाइट ग्रुप है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? इस जी के का ऑर्डर कहलाएगा। तो इस जी का ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स हमारे पास में एन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में इनफाइनाइट ग्रुप है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं एन में? हमारे पास में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर का क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया।
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और फाइनाइट ऑर्डर है हमारे पास में, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो ऑर्डर ऑफ आ ग्रुप, लेट जी स्टार बी आ ग्रुप ग्रुप, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा स्टूडेंट्स। इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से क्या करा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं, इफ जी हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। एंड इफ जी हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड, इट मीन्स ग्रुप इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। इट इज कॉल्ड it is called a group of finite order ka group kehlayega। aur is case mein hamare paas mein ye group kya kehlayega, is called a group of infinite order। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह एग्जाम्पल जो फर्स्ट है इसमें हमारे पास में ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 हो गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, जी के स्थान पर यहाँ पर एन लिया गया, तो ऑर्डर ऑफ एन लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, और इसके लिए इन्फिनिटी ऐसे करके ले सकते हैं। यहाँ पर भी W ग्रुप है तो G के स्थान पर W लिखेंगे, और इसमें भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। और क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी दे सकते हैं, इन्फिनिटी ऑर्डर का हो गया। इस केस में हमारे पास में देखिए, हमने G ग्रुप माना था, अब यहाँ पर हमारे पास में S ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ S हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने
फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप और उनका ऑर्डर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।